सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ठीक है ठीक है, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, शर्म करो, शर्म करो दीपिका, शर्म करो, शर्म करो। एक मिनट सर, रुक जा रुक जा रुक जा, तेरा थाना पे करते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने पूरी नारी जाति की जो है वो उसमें इंसल्ट की हुई है। तो हमारा अपने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने गवर्नर जी से बस यही निवेदन है कि इनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। तो हम इनके खिलाफ कंप्लेन भी करके आए, FIR जो है वो, यहाँ तक कि मैं हर जिला में, जितने भी हमारे जिला, हर जिला में इनके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज करवाऊंगी। क्योंकि नवरात्रों के दिन वैसे ही हमारा इतना विश्वास होता है अपनी देवी माँ पे, छोटे छोटे कंजकों के पूजन करके, और इन्होंने जो उस पर वो एक फ़ोटो जो डाली है उससे वो क्या मैसेज आगे देना चाहती है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं हम सभी महिलाओं को बहुत ज़्यादा इसके प्रति रोष है। इन्होंने सभी महिलाओं की बेइज्जती की है, क्योंकि एक महिला होकर ऐसे बयान देने या ऐसा ट्वीट करना इनको शोभा नहीं देता। शर्म करो, शर्म करो दीपिका, शर्म करो, शर्म करो दीपिका, शर्म करो। नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हाय हाय, शर्म करो, शर्म करो हो गया, दीपिका शर्म करो, शर्म करो नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ट्विटर पे बैठ के अभद्र व्यवहार करना शोभा नहीं देता, पूरे समाज को कलंकित करना शोभा नहीं देता। अगर हिम्मत है तो बाहर आके हमको फेस करें, महिलाओं को हम बताएंगे कि उन्होंने क्या बात की है, हमारे सेंटिमेंट्स कैसे हर्ट किए उन्होंने। यही बताना चाहूंगा कि ट्विटर पर जैसे ही 9 मिनट पहले उन्होंने अपडेट किया, अभी तक 234 रीट्वीट हो चुके हैं, यानी 234 लोग उन्हें समर्थन कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं, और लगातार वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है, पूरा हिंदुस्तान जो है वो एक फौज है, आपने देखा है कि एक फौज है जो एक नियमित तरीके से उसको रीट्वीट करती है, क्या करती है, लेकिन एक सोच है पूरा हिंदुस्तान जो है, 125 करोड़ हिंदुस्तानी जो है, खासकर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जो है, उसको कटघरे के पीछे लेके जाएंगे। और आने वाले समय के अंदर उसने जो ये ट्वीट किया है, ऐसे लोगों को असभ्य, ठीक है हमारे समाज के अंदर दुरीतियाँ होती हैं, लेकिन दुरीतियों को अभिव्यक्त करने का एक तरीका होता है। आप एक फेस्टिवल को, जो नवरात्रों का फेस्टिवल है जिसके अंदर हम कंजक पूजन करते हैं, हमारे देश के अंदर साल के अंदर 2 बार इसका कंजक पूजन होता है, और आपने ऐसे त्यौहार वाले दिन हमें सेंटिमेंट्स को, और चीप पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि वो चाहती है कि उनको चीप पब्लिसिटी से मिले, और लेकिन हम जो समाज की जितनी बहनें हैं यहाँ बैठी हुई, हम उनको बख्शेंगे नहीं, और पूरा जो हिंदुस्तान जो है उनके लिए इस चक्कर के लिए उनको जो है कटघरे के पीछे लेके जाए। दीपिका शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो दीपिका, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो दीपिका, शर्म करो, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अरेस्ट करो दीपिका को, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो दीपिका को, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो दीपिका को, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो दीपिका का अपमान नहीं सहेगा, नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।